गरीब सास बहू का 1 रुपए का गोभी परांठा। वाह मम्मी, आज तो नाश्ता करने में मजा आ गया। आपके हाथ की गर्मा गर्म गोभी के परांठे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। ऐसे परांठे तो नत्थू परांठे वाला भी नहीं बनाता होगा। तुम्हारे हाथ के गोभी के पराठे खाकर तो दिन बन जाता है, और साथ में ये गर्मा गर्म चाय, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया हूँ। अरे आप लोग बस भी कीजिए, अब तारीफ करते रहेंगे या पराठे भी खाएंगे? सभी लोग नाश्ता करते हैं। आदर्श रोज की तरह बाजार में वो गोभी बेचने के लिए निकल जाता है। वही रोमा भी घर के सारे कामकाज करके अपने काम पर निकल जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको एडवांस भी दे दिया था, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या हुआ मालकिन? आज मेरी कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मैंने कैटरिंग वाले को पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने खाना बनाने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, वो लोग विदेश से आ रहे हैं, मुझे तो विदेशी खाना बनाना भी नहीं आता है। मालकिन वो लोग विदेशी हुए तो क्या हुआ, हम लोग उन्हें देसी खाना खिलाएंगे। जब हम लोग कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ का ही खाना खाते हैं, इसीलिए जब वो लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो हमारे देश का ही खाना खाएंगे। आप घबराइए मत, मैं उनके लिए जल्दी कुछ अच्छा बनाकर तैयार कर दूंगी। रोमा जल्दी से अपने घर जाती है और घर में रखी काफी सारी गोभियों को लेकर सीधा अपनी मालकिन के घर पहुंचती है और गोभियों के छोटे छोटे टुकड़े कर गोभी के पराठे बनाने की तैयारी करती है। 2 घंटे में रोमा काफी सारे गोभी के पराठे बनाकर तैयार कर देती है और अपनी मालकिन के विदेशी मेहमानों को सर्व करती है। जैसे ही गोभी के पराठे वो खाते हैं, वाओ सो डिलीशियस, व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फूड कॉल्ड गोभी पराठा। दिस इज सो डिलीशियस, आई हैव नेवर ईटन एनीथिंग लाइक दिस। मालकिन क्या इन्हें गोभी का पराठा पसंद नहीं आया? अरे नहीं रोमा, इन लोगों को तो ये तुम्हारे हाथ का गोभी का पराठा बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये तो कह रहे हैं इन्होंने इतनी अच्छी चीज पहले कभी नहीं खाई। रोमा थैंक यू सो मच, अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मैं इन लोगों को क्या खिलाती। रोमा शुरू से ही काफी अच्छा खाना बनाती थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती थी। अब तो रोमा के ससुराल वालों के साथ साथ उसके मालकिन और उसके विदेशी मेहमानों को भी रोमा के हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद रोमा अपने घर आ जाती है। लेकिन रोमा जैसे ही अपने घर पहुंचती है, हे भगवान ये क्या हो गया? माँ जी ये क्या हो गया, इन्हें क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? आपको ये चोट कैसे लगी? अरे गोभी बेचकर रोज की तरह जब मैं घर आ रहा था तो एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। अरे वो तो भला हुआ आसपास मौजूद लोगों का जो मुझे समय पर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब 6 महीने तक चल फिर नहीं सकूंगा। अगर मैं चलूंगा नहीं तो बाजार में जाकर गोभी कैसे बेचूंगा और तुम लोगों का पेट कैसे पालूंगा? आप ये सब सोचना बंद कीजिए, जो होगा वो सब लोग देख लेंगे, लेकिन भगवान ने जो आपके साथ किया वो सही नहीं था। एक अच्छे और सही इंसान के साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? आदर्श के हुए एक्सीडेंट से रोमा और चंपावती दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। जहाँ रोमा घर में काम करती रही, वहीं अब चंपावती बाजारों में जाकर गोभी बेचती है। गोभी ले लो गोभी, 25 रुपए किलो गोभी ले लो। अरे अम्मा ये गोभी कैसे दी है? सिर्फ 25 रुपए किलो है साहब। 25 रुपए किलो? मैंने तो सुना है कि मार्केट में गोभी के भाव गिर गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आजकल गोभियों में कीड़े आने लगे हैं, इसके बावजूद भी तुम 25 रुपए किलो गोभी बेच रही हो? अरे मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर वो कस्टमर वहां से चला जाता है। मार्केट में गोभी के अंदर कीड़े वाली खबर फैलने की वजह से अब कोई भी गोभी नहीं खरीद रहा था। वहीं रोमा की तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि घर के किराए के साथ साथ वो घर का गुजारा भी चला सके, जिसके चलते अब घर में बड़ी तंगी का माहौल छा गया था। जहां पूरा परिवार पहले 2 वक्त की ढंग की रोटी खा पा रहा था, वहीं अब 1 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। क्या हुआ रोमा, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। मालकिन इनका जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से सब कुछ बदल गया है, अब तो 1 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं हो पा रहा है, ऊपर से अब तो हमारी गोभी भी नहीं बिक रही। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, लगता है इस साल की सारी गोभी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे कैसे खराब हो जाएगी, तुम इतने अच्छे गोभी के परांठे बनाती हो तो तुम उन्हें बनाकर बाहर क्यों नहीं बेचती?
आजकल तो लोग वैसे ही स्ट्रीट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो तुम भी बनाकर बेचो और देखो कैसे तुम्हारी बिक्री होती है। इससे तुम्हारी गोभी भी बर्बाद नहीं होगी और तुम और तुम्हारा परिवार दो वक्त की रोटी भी खा सकेगा। अरुणा की बात सुन रोमा ये सारी बात जाकर अपनी सास चंपावती को बताती है। तेरी मालकिन ने तो बहुत बढ़िया तरकीब बताई है, लेकिन तू अकेले गोभी के पराठे नहीं बेचेगी, मैं भी तेरे साथ गोभी के पराठे बेचूंगी, तेरी मदद भी हो जाएगी। दोनों सास बहू गोभी के पराठे बनाने के लिए गोभी का मसाला तैयार करते हैं, वही आटा गूंथ कर गोभी के पराठे की सारी तैयारी कर लेते हैं और एक ठेला किराए पर लेकर अब दोनों साथ में बाजार में जाकर गोभी के पराठे बेचना शुरू करते हैं। गोभी के पराठे ले लो, गोभी के पराठे, गर्मा गर्म गोभी के पराठे ले लो, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे आज तो मेरा सारा का सारा लंच खराब हो गया। बहन जी जरा एक प्लेट गोभी के पराठे लगा दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई साहब 2 मिनट। रूमा जल्दी से गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाती है, वहीं चंपावती उस कस्टमर को गोभी के पराठे सर्व करती है। वो कस्टमर जैसे ही गोभी के पराठे खाता है, वाह वाह ये गोभी के पराठे हैं, खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसमें जो आपने गोभी का मसाला भरा है ना वो तो गजब का है, भाई मुझे एक और गोभी का पराठा देना। रोमा उस कस्टमर के लिए गोभी का पराठा बनाती है, जिसे खाकर वो रोमा और चंपावती की गोभी के पराठे की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। पहले कस्टमर को अपने गोभी के पराठे की इतनी ज्यादा तारीफ करता देख रोमा और चंपावती दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब धीरे धीरे ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ती देख आसपास काम कर रहे लोग भी रोमा और चंपावती के गोभी के पराठे के ठेले पर आते हैं। ऐसे ही एक दिन जब चंपावती और रोमा गोभी के पराठे बेच रही होती है तो देखती है कि हे भगवान क्या हो गया आपको, उठिए होश में आइए। अम्मा बाबा को क्या हो गया? देखना बिटिया ये बेहोश हो गए हैं, 4 दिनों से इनके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है, कमजोरी से इन्हें चक्कर आ गए। अम्मा की बात सुन रोमा जल्दी से अपने ठेले पर जाती है और पानी लाकर उस बूढ़े आदमी पर छिड़कने लगती है। उस बूढ़े आदमी को होश आता है, चंपावती उसके लिए गोभी के पराठे लेकर आती है, जिसे खाकर उस बूढ़े शरीर के अंदर जान आ जाती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, 4 दिनों बाद आज मेरे पेट में अन्न गया है। हम गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम लोग एक वक्त का खाना खरीद कर खा सकें, लेकिन आज तुमने हमारी भूख मिटाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़े पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रोमा और चंपावती वापस अपने ठेले पर आ जाती हैं। क्या हुआ रोमा बहू, तू उदास लग रही है? उन गरीब अम्मा और बाबा की बात सुन मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है हर साल हमारे देश में कितने लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उन्हें कुछ खिला सकती। तू ठीक कह रही है, लेकिन अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? माँ जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना जो बहुत ज्यादा गरीब हैं और खाना खाने के लिए मोहताज हैं, उन लोगों को सिर्फ 1 रुपए में गोभी का पराठा बेचें। 1 रुपए तो हर किसी के पास होता है, 1 रुपए की कीमत में वो लोग भरपेट खाना खा पाएंगे। बहू तेरी तरकीब तो बहुत ज्यादा अच्छी है, अब से हम हर शाम 5 बजे के बाद गरीबों के लिए 1 रुपए में गोभी का पराठा बेचेंगे। गोभी के पराठे ले लो, गर्मा गर्म गोभी के पराठे, सिर्फ 1 रुपए में, 1 रुपए में गोभी के पराठे ले लो। क्या 1 रुपए में गोभी का पराठा? बहन जी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं भाई साहब हम सच में 1 रुपए का गोभी का पराठा बेच रहे हैं। मेरे पास तो 6 रुपए हैं, इसका मतलब आज मेरे बच्चे गोभी के पराठे पेट भर कर खा सकते हैं। चंपावती हर गरीब इंसान को सिर्फ 1 रुपए में गोभी का पराठा देती है, जिससे उन्हें उन लोगों से काफी दुआएं मिलती हैं। अरे जो सरकार और अमीर अमीर लोग हमारे लिए नहीं कर पाए वो आप लोग कर रहे हैं, भगवान आपका भला करे। 1 रुपए में हम लोगों को गोभी का पराठा खिलाकर हमारी भूख को शांत कर रहे हैं, भगवान आपको इस पुण्य का फल आपको जरूर देगा। अपने मेहनत और लोगों की दुआओं की बदौलत अब दोनों सास बहू का गोभी पराठे का ठेला एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है और बीतते समय के साथ साथ उनके हालात भी बदलने लगते हैं। और आज दोनों सास बहू हमेशा हर शाम गरीबों के लिए 1 रुपए में गोभी का पराठा बेचती हैं।